अब जो है आपको विजिट करवाते हैं फांसी घाट। ये काफ़ी जो है वो लंबी और बड़ी सीढ़ियां हैं। ये है जी फांसी घाट। ये है जी वो होल जहां से सजा याफ्ता मुजरिमों को लटकाया जाता था। यहां पर भी एक ऐसा ही होल था जो कि अब नहीं है। कोई पिलर कोई सरिया नहीं है जी इसके अंदर। ये है जी वो होल जहां से फांसी दी जाती थी। वो सामने जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है, इस पहाड़ी का नाम है जी टिल्ला जोगिया। और इसी पहाड़ी से बैठकर इस किले को बनाने से पहले इसकी मैपिंग की गई थी। उस साइड की जो दीवार है वो सारी गिर चुकी है जी। ये जो हैं इनसे तीर बरसाए जाते थे और ये जो होल्स हैं इनसे जो है गर्म पानी या गर्म तेल वगैरह जो है वो फेंका जाता था। ये जो जगह है ये यहाँ से दुश्मनों को देखा जाता था, उनकी फौज को जो है वो देखा जाता था चुपके से। यहाँ से जो है वो तोप वगैरह भी जो है वो चलाई जाती थी। मान सिंह की हवेली जाने के लिए जी यहाँ से आना पड़ता है। यहाँ पे आने का जो है इस साइड से यहाँ पे आने का यही एक ऑफिशियल रास्ता है। अगर हम दूसरी साइड से आते हैं तो उसके लिए एक साफ रास्ता मौजूद है वहां पे। ज्यादा हाइट पे है जी ये तो जी। ये है हवेली मानसिंह जो कि कहा जाता है अकबर बादशाह का वजीर हुआ करता था, जिसके नाम से ये हवेली मशहूर है। और बिल्कुल इसी जगह से जो है वो सामने रानी महल है। चूंकि यहां से बड़ा आसानी से नजर आता था और वहाँ पे नीचे उस रानी महल के नीचे जो है अभी भी कुछ कमरे मौजूद हैं। ये है जी बादशाही मस्जिद और
इस मस्जिद के जो है वो तीन दरवाजे बनाए गए हैं, तीन एंट्रेंस हैं, तीनों के ऊपर आयात लिखी हैं। ये है जी काबली गेट, इस किले की मेरे नज़दीक सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगती है। शाही गुसल खाना जो है वो भी यहीं पर था। सबसे एडवेंचरस जगह जो है वो मुझे लगती है। तो जी अब चलते हैं नीचे। तो जी अब जो है वो हम जा रहे हैं बावली की तरफ, मीन्स के शाही गुसल खाना जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख के बहुत अफसोस होता है यार, देखें यहाँ पे कितना गंदा है, उधर ऐसा ना किया करें। अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये हमारी। कितना प्यारा व्यू लग रहा है जी। इस दरवाजे को इस तरफ बनाने का मकसद ये था कि ये जो दरवाजा है इसका रुख काबुल की तरफ है, तो इसलिए इसको जो है काबली दरवाजा कहा गया है। अभी हम जा रहे हैं जी शाही गुसल खाने। हिस्ट्री के हिसाब से यही वो रास्ता है जो नीचे जाता था गुसल खाने की तरफ, लेकिन अब ये बंद हो चुका है जी। तो जी अब चलते हैं वापस। बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है ये और खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। कभी ये आबाद हुआ करती थी। ये है जी वो कुआं, एक रास्ता ये आता था, दूसरा रास्ता ये है। ये है जी रोहतास की बड़ी बावली, यानी कि बड़ा कुआं। अगर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा सकूं, तो देखें कितनी दूर तक यहाँ पे गंदगी और कचरा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है ये। हम अपने आसारे कदीमों और कीमती असासों की हिफाजत नहीं करते। तो ये है जी हमारी हिस्टोरिकल प्लेस
सबसे अच्छी बात और सबसे हैरत की बात ये है कि आप ये देखें, इसकी डीपनेस चेक करें, इसे मैन्युफैक्चर किस तरह से किया गया होगा, यहाँ पे पत्थर किस तरह लगाए गए हैं। ये जी बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है जी। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जितनी मुझे हिस्ट्री पता थी उतनी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये जो है व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जो है वो अपनी कीमती राय का जो है वो इजहार ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो है वो मेरे कंटेंट जो है आपको कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।